डी ये स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग नॉइज एंड वाइब्रेशन द मॉडर्न वर्क प्लेस कैन बी नॉइजी दिस पोज इज टू सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फर्स्ट देर इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन नॉइस डिस्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड डिस्टर्ब दैम सेकेंड देर इज प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग लॉस अब इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए आपको हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट डेवेल्प करना चाहिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ना हों अगर हैं तो कंट्रोल लेबल हों ताकि दूसरा एम्प्लाई आपकी नाइस से डिस्ट्रैक्ट ना हो या उसका काम उससे मुतासर ना हो होदिंग लास्ट प्रिवेंशन टर्म्स सर्टन टर्म्स कामन टू हिंग लास्ट वो ये हैं अटैनशन कॉन्टीन नॉइस डेसिबल डोजीमीटर एक्सचेंज रेट हेजोडियस नॉइज कंडक्टिव एंड सेंसोरियल न्यूजल लॉस ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हेल्थ प्रोफेशनल इनको समझ सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि सेफ्टी एनवायरमेंट इंप्लाईज को दिया जाए तो इन टर्मिनोलॉजीज के मुताबिक इन चीजों को हमने कंट्रोल करना है प्रिवेंशन टर्म्स लेवल ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं मैं इनको कंक्लूड करता हूं दो स्टेटमेंट्स में ये तमाम टर्मिनोलॉजीज पहली बात है मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड ये पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेश लेवल दिया गया है कि इससे कम या इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी आपकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके जो बिटवीन द लाइन है उसमें रह के आपने काम करना है अगर बिटवीन द लाइन आप नहीं रहते तो आप लोग वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ साउंड साउंड इज़ एनी चेंज इन प्रेशर दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई द ईयर साउंड हमें मालूम है कि साउंड का एक लेवल है उससे कम और उससे ज्यादा साउंड हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते साउंड इज अ चेंज इन एयर प्रेशर एयर प्रेशर में साउंड चेंज का बायस बनती है इट कैन आल्सो बी अ चेंज इन वाटर प्रेशर और एनी अदर प्रेशर सेंसिटिव मीडियम नॉइज इज़ अनवांटेड साउंड डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड साउंड इज़ इन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन हियरिंग इट अगर वो चीज़ आपके लिए आपकी बॉडी के ऊपर आपके माइंड के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डेवलप नहीं कर रही तो वो नॉइज़ है अगर वो प्रेशर अच्छा बिल्ड कर रही है तो वो नॉइज नहीं है साउंड एंड वाइब्रेशन आर वेरी सिमिलर लेकिन साउंड कंसिस्टेंट है वाइब्रेशन के अंदर कोई चीज़ थोड़े अरसे के लिए होती है फिर ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे ये यह देखा गया है कि जो साउंड के करेक्ट्रिस्टिक्स हैं उनको भी अगर कंट्रोल में रखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिज़ायर रिजल्ट हैं उनको अचीव किया जा सकता है